तो और गेमर्स, क्या हाल चाल आप लोगों के। आज की इस वाले वीडियो में हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं एक नए गेम को। इस गेम का नाम है जॉली 3। ये फाइव नाइट्स एट फ्रेडी सिस्टर लोकेशन का ही एक फैन मेड वर्जन है और ये गेम जो है चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 नहीं है। तो अभी हम लोग इस गेम को शुरू करने जा रहे हैं स्टोरी मोड से, क्योंकि हर एक फाइव नाइट्स एट फ्रेडी फैन गेम के फ्रेंचाइज को एक गेम को हम लोग खेलेंगे, देखेंगे कैसा है वो गेम, उससे हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। जैसे कि फाइव नाइट्स एट कैंडी 3 को हम लोगों ने खेला था। तो अभी हम लोग गेम में जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको कोई पर्सनल गेम सजेस्ट करना है तो आप डिस्कॉर्ड में जा सकते हो। डिस्कॉर्ड का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एकदम टॉप पे। सो अभी हम लोग गेम पे आते हैं। गेम हमारा अभी शुरू हो ही रहा है और इस गेम में मुझे नहीं पता हम लोगों को चलने को मिलेगा या एक जगह पर बैठ के चेक करना पड़ेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा गेम है, देखते हैं। और एक बात, इस गेम में बहुत सारे नए नए एनिमेट्रॉनिक्स भी है। सो वेलकम टू जॉली 3। ये मत कहना कि मैंने फर्स्ट के दो गेम्स को क्यों नहीं खेला, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखते हैं गेम में क्या है। हमारा गेम ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, लोडिंग हो रहा है अभी। ठीक है। हेलो, कैन यू हियर मी? यस, आई कैन हियर यू। ऑलराइट, सो यू शुड बी फेसिंग द मेन सिक्योरिटी ऑफिस। डजंट लुक लाइक अ सिक्योरिटी ऑफिस, हह? इट्स मोर ऑफ अ कंट्रोल रूम। ऑफ कोर्स। मी Okay, मेरे सामने एक लीवर क्यों है ये हमें पता चलेगा। Get out. Pretty simple, right? Well, not if you don't know what you're doing. जानने के बाद जैसे बहुत सब कुछ आसान हो जाएगा। तो 12 बज चुके हैं, अभी हमारे भी 12 बजने वाले हैं। बहुत सारे एनिमेट्रॉनिक्स है मैंने इस गेम में सुना है। ओके, तो देखते कौन है। इस साइड में कोई भी नहीं है। फाइव नाइट्स एट फ्रेडी सिस्टर लोकेशन के जैसा ही है, पर यहाँ पर एक लीवर है कि मुझे नहीं पता। My animatronic circuits. Fry animatronic circuits. Interesting. There are active animatronics in there. हाँ, मुझे पता है. Now you know. This lever only excretes gas if there's enough supply for them. If you run out of gas, you open up the camera and click the little wrench icon. कैमरे में रेंच आइकॉन, ओके तो ऊपर है ये रहा। Oh my god, ये क्या है? One of which is the gas supply. ये रहा गैस सप्लाई, रिफिल करना पड़ेगा हमें। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी, आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। When you excrete gas, you will lose oxygen and your body will try to intake much faster temporarily. This will cause the oxygen supply to go down for a bit. तो हमें रिपेयर भी करना पड़ेगा कभी कभी। Five Nights at Freddy's 3 के जैसा है। They go broken and you'll need to fix them. To fix the gas system, click repair. ठीक है, रिपेयर। Now you may notice these spinning fans in the screen. तो फाइव नाइट्स एट फ्रेडी 3 और 5 का एक मिक्सर गेम है आई थिंक। अच्छा, कहाँ पर रूम है? यहाँ पर मुझे कोई रूम नहीं दिख रहा। Now the problem is, you won't know what fan is broken. हाँ? The facility used to have this feature where you know what fan is broken, but machines age, sadly. ये फालतू की बातों में टाइम वेस्ट कर रहा है। ये रहा रिपेयर फैन का ऑप्शन। एक सेकंड, मैं समझ गया ये साउंड कैसा हो रहा है। तो इस रूम में एक अजीब सा साउंड है। अच्छा, ऑक्सीजन ड्रेन होने के बाद मुझे पता है क्या होता है। तो ठीक है, अभी हमें जो है 6 बजे तक सर्वाइव करना पड़ेगा। अगर कोई फैन बहुत ज़्यादा मतलब पावर लो हो जाता है तभी हमें उसे रिपेयर करना पड़ेगा, और कोई अगर एनिमेट्रॉनिक्स हमारे घर के अंदर आता है तो हमें गैस छोड़ना पड़ेगा। उस गैस से शायद उनके सर्किट जल जाते हैं, पर फिर भी वो बच जाएंगे। कुछ टाइम बाद अभी हमें जो है गैस को रिफिल करना पड़ेगा ताकि हम लोग वापस से उसे यूज़ कर सकें। अभी के लिए हमारे पास इतना ही नॉलेज है, पता नहीं कौन कौन से एनिमेट्रॉनिक्स हमें देखने आने वाले हैं। इस जगह में गैस का पावर बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, सॉरी फैन का पावर। तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता। ख़त्म होने के बाद जो है ऑक्सीजन आना बंद हो जाएगा, जिससे हमारा स्क्रीन धीरे धीरे ब्लैक हो जाएगा और कोई एनिमेट्रॉनिक्स आके हमें जंप स्केयर दे देगा। मैं जहाँ पर बैठा हूँ उस साइड में कुछ कांच के अपोजिट में कुछ एनिमेट्रॉनिक्स थे, पर वो शायद इतनी जल्दी नहीं निकलने वाले। टू बी ऑनेस्ट, ये नाइट 1 उतना भी हार्ड नहीं होता किसी भी गेम में। सो द फर्स्ट नाइट इज नेवर यूजुअली दैट बैड इन एनी ऑफ द गेम्स, सो आई विल प्ले थ्रू सिवाय फाइव नाइट्स एट फ्रेडी 4 के और फाइव नाइट्स एट कैंडी 3 के। एक्चुअली हर गेम में ही बहुत हार्ड होता है कुछ गेम को छोड़ के। तो हम लोग इस गेम के बारे में बात करते हैं। तो बहुत सारे कैमरे हैं, एक्चुअली शायद 13 कैमरा है, मतलब 0 से कैमरा शुरू होता है, मतलब टोटल 14 कैमरेज है। तो सबको हमें ख्याल रखना पड़ेगा, किसी भी एक कैमरे में शायद ऑक्सीजन जा सकता है, तो बहुत दिक्कत की बात है। तो मैं इस कैमरे में फोकस कर रहा हूँ क्योंकि इस कैमरे में का जो ऑक्सीजन लेवल है ये बहुत कम हो चुका है। अगर ये ख़राब हो जाता है तो मुझे जल्दी से इसे फिक्स करना पड़ेगा, वरना सब कुछ डार्क हो जाएगा, वो हम लोग देख लेंगे।
इतनी जल्दी कोई आने वाला है नहीं। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? तो ठीक है, हमारा जो ये खराब हो चुका है हमें इसे रिपेयर करना पड़ेगा। तभी मैं सोचूं अचानक से क्या हो गया, अब हमें इसे रिफिल करना पड़ेगा आई थिंक, ताकि हम लोग इसे पूरा फिल कर ले गैस को, ताकि कोई एनिमेट्रॉनिक्स आए तो हम लोग सेफ रहेंगे। ठीक है, एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? कोई शायद मेरे सामने आ गया, नहीं आया, फिर भी ये पता नहीं क्या हो रहा है। एक एनिमेट्रॉनिक्स कैमरे में देख रहा है। ओके, दो एनिमेट्रॉनिक्स है जो कि निकल चुके हैं, और कहीं का शायद फ़ैन ऑफ हो गया, मुझे नहीं दिख रहा कहाँ पर। ओके, वो डार्क हो रहा है सब कुछ, कहाँ का फ़ैन ख़राब हो गया मुझे एक्चुअली दिख नहीं रहा। ओके, सब कुछ हाँ मैंने देख लिया, तो लास्ट में शायद कैमरा 4 या 5 का फ़ैन ख़राब हो गया था, हम लोगों ने इसे रिपेयर कर लिया। तो बहुत मुश्किल है एक्चुअली, फर्स्ट नाइट में बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है, मैंने नहीं सोचा था इतना कुछ होगा, और इन फैन को देखना बहुत ही मुश्किल है, और पता नहीं ये क्या हो रहा है। ओके, तो एक कैमरे से एक एनिमेट्रॉनिक्स दूसरे रूम में जब जाता है तब हमारा कैमरा ख़राब हो जाता है। हम लोग अपने गैस को फुल कर लेते हैं, कोई एनिमेट्रॉनिक्स हमारे सामने नहीं है, मतलब कोई इतनी जल्दी हमारे रूम में आ नहीं सकता अनलेस वो टेलीपोर्ट नहीं करता। यहाँ पर कोई नहीं, और यहाँ पर एक पता नहीं बैलून बॉय के जैसे कुछ है। सारे रूम्स खाली है, बस सामने के एक दो रूम्स में कुछ एनिमेट्रॉनिक्स है। यहाँ पर एक एनिमेट्रॉनिक्स है जो कि चीका जैसी है, यहाँ पर एक है जो कि बॉनी जैसा है, और बॉनी शायद टेलीपोर्ट करना भी जानता है, ये विदाउट बॉनी लग रहा है। पर फाइव नाइट्स एट फ्रेडी सिस्टर लोकेशन में कोई बॉनी नहीं था, पता नहीं फॉक्सी कहाँ पर है या नहीं। यहाँ पर कोई नहीं है, और यहाँ पर बैलून बॉय है। मेन बिल्डिंग तो पूरा खाली है, बस साइड में कोई है, मतलब साइड में कुछ लोग हैं। ये बहुत ही बड़ा एक जगह है। ओके, तो पता नहीं ये क्या है, पूरे कैमरे में देख रहा है, जो भी है बहुत ही अजीब है। हमारे सामने कोई नहीं है, हम लोग अभी सेफ है कुछ टाइम के लिए बेसिकली। अभी भी बैलून बॉय वहाँ पर खड़ा हुआ है, ये बैलून बॉय शायद नाइट वन में नहीं जाने वाला कहीं पर। दो एनिमेट्रॉनिक्स एक साथ है, ये देखो, अगर ये दो लोग एक साथ आते हैं तो दिक्कत होगा। आई डोंट थिंक कि दो लोग एक साथ आ सकते हैं, ये जा चुके हैं कहीं पर टेलीपोर्ट करके या चल के, जो भी है। तो और कहीं पर मुझे कुछ दिख नहीं रहा, सारे गैस लगभग फुल है। एक तो जगहों में थोड़ा सा कम हो चुका है, मतलब बहुत कम हो चुका है। तो एक्चुअली जिस जगह में कम होता है उस जगह में हमेशा ख़राब नहीं होता, कहीं पर भी ख़राब हो सकता है हमारा गैस का पाइप या फैन। मैं थोड़ा सा गेम में ज़्यादा ही फोकस्ड हूँ, मुझे नहीं पता क्यों नाइट वन में इतना। तो मेरा गैस सिस्टम वापस से ख़राब हो गया, जल्दी से हमें ठीक करना पड़ेगा। एनिमेट्रॉनिक्स हमारे बहुत ही नज़दीक है, हम लोग ठीक करके रिफिल कर लेते हैं, पता नहीं कितना गैस लगेगा एक एनिमेट्रॉनिक्स। ओके, ओ माई गॉड, ठीक है, हम लोगों ने अच्छा हुआ रिफिल किया था, और इससे हम लोगों ने भागा दिया। अब हमें फिर से गैस को रिफिल करना पड़ेगा, पता नहीं वो क्या था, एक बीटल जैसा दिखने वाला एनिमेट्रॉनिक्स। और अभी जो है हमारे फ़ैन ख़राब होने वाले हैं बहुत जल्दी, एक साथ अगर ऐसा सब कुछ होता है तो बहुत मुश्किल है, एक एक करके आएंगे तो ठीक है। इस साइड में कोई नहीं, इस साइड में एक एनिमेट्रॉनिक्स अभी भी है, तो हमारा फ़ैन ख़राब हो चुका है, लकीली ये वाला फ़ैन ही ख़राब हुआ। इस रूम में एक अजीब सा साउंड किया, मुझे नहीं पता। और ये देखो, फन टाइम फ्रेडी ब्रो, कितने दिनों बाद मिले हम लोग। ठीक है, अभी हम लोगों ने गैस को वापस यूज़ कर लिया, गैस को यूज़ करने के टाइम पर ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो फन टाइम फ्रेडी तो है, पर फन टाइम फॉक्सी मुझे नहीं दिखा, और सर्कस बेबी बलोड़ा ये शायद यहाँ पर नहीं है, अच्छी बात है एक्चुअली भी बहुत सर। ओके, मैंने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता, पर फिर भी मज़ा आया करने में। ऑलराइट, तो 6 बज भी चुके हैं। तो इस गेम के नाइट्स ज़्यादा कुछ लंबे नहीं है टू बी ऑनेस्ट, तो बहुत अच्छा था ये गेम, मतलब फर्स्ट नाइट तो बहुत अच्छे से हमारा बीत गया। अब देखते हैं क्या करना पड़ेगा हमें, अभी शायद ऑब्जेक्टिव भी है बहुत सारे, अगर ये फाइव नाइट्स एट फ्रेडी सिस्टर लोकेशन का एक कॉपी है, हमें सामने जाना पड़ेगा क्लिक, तो हमें शायद किसी तरह का भेंट में जाना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग जाते थे फाइव नाइट्स एट फ्रेडी सिस्टर लोकेशन में। तो चल के ही हमें पता चलेगा। लेफ्ट, ठीक है, हम लोग अभी लेफ्ट साइड में चल के देखते हैं। पता नहीं ये बंदा कहाँ से बैठ के हमें नैरेट कर रहा है, ये बंदा है ये रोबोट है मुझे नहीं पता। Remember, find something and get out quickly. Something का क्या मतलब? Stay for too long and you're dead. Got it? All right. Good luck, man. बहुत सीरियस वार्निंग है, तो हम लोग अभी और डीप जाते हैं रूम के अंदर, देखते हैं क्या है। Wow, this is dark. इसे मजा आ रहा है। There's nothing much here, it seems. बहुत कुछ है यहाँ पर। अच्छा, पासपोर्ट प्रोटेक्टेड सेफ, तो देखते कौन सा सेफ है यहाँ पर पासपोर्ट से प्रोटेक्ट हुआ, मतलब किया हुआ। यहाँ पर तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा, एक सेकेंड, ओ माई गॉड, मैंने ये क्या किया, मुझे कुछ दिखा भी नहीं, ये क्या हो रहा है? कोई वहाँ पर खड़ा है, आप लोगों ने देखा? ओ नो, वहाँ पर कोई खड़ा था। हम लोग लाइट जला सकते हैं, फ्लैश लाइट, पर कुछ सेकेंड्स के लिए ये चलता है। There's not much time.
We have to hurry. Hold on. I got this. ठीक है, जल्दी जो भी करना है. What? क्या हुआ? I can't hack the safe. Oh my god, मैं गया. Port number. The only way to get that is through you. Quick, bring up your phone. I sent you a program. फोन में एक सेकंड. हेलो, फोन में कैसे हैक करते हैं? ये रहा हमारा फोन. आई थिंक ये क्या है? Welcome to the grid. एक सेकंड, ये क्या नया गेम है? मेरे सामने कोई एनिमेट्रॉनिक्स भी है. Try it now. अच्छा, मैं समझ गया. तो मुझे इसे box, अच्छा अच्छा मैं समझ गया. मुझे ऐसे मैच करना पड़ेगा. और कितनी बार करना पड़ेगा? कोई नहीं, अभी जल्दी हम लोग काम करते हैं. ऐसे हम लोग को मैच करना पड़ेगा. बहुत ही मामूली हैक है. एक सेकंड, नहीं ये देखो, ये पता नहीं क्या है पर हमारे बिल्कुल सामने है. इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था हमें जो है लाइट को एक बार फ्लैश करना है. मैं गलती कर रहा हूँ? नहीं, टाइम नहीं है हमारे पास ज़्यादा. पता नहीं उस कॉर्नर में एक सर्कल क्यूब है. नहीं बिल्कुल. ओ माई गॉड, गया आई थिंक. यस, अब हम लोगों को जल्दी करना पड़ेगा. ठीक है, एक बार हम लोगों ने वापस से कर लिया. देखते हैं, ये नहीं आई अभी तक. बहुत दिक्कत की बात है ये. इतने सारे काम को मुझे करना पड़ेगा. ठीक है, अभी दूर है हमसे. और ये सर्कल क्यों है पता नहीं कॉर्नर में एक. ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग कर लेंगे. तो ठीक है, ये लगभग उस साइड में जा चुकी है. अब जल्दी से इसे मैच कर लेते हैं. यस, हो गया. वन मोर रह रहा है. ठीक है, अब जा भाई. अब जल्दी से हम लोगों को एक और करना पड़ेगा. ये बहुत ही लंबा है. हम लोगों को थोड़ा सा और पेशेंटली खेलना पड़ेगा. लगभग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया. जल्दबाजी का कोई फ़ायदा नहीं होगा. ठीक है, हम लोगों ने मैनेज कर लिया. यस, बहुत लंबा टाइम लग गया फिर भी हम लोगों ने इसे कंप्लीट कर लिया. कुछ ज़्यादा खास तो नहीं था. एक अजीब सी एनिमेट्रॉनिक्स जो थी हमें स्टॉक कर रही थी, जैसे 5 मिनट से ट्रेडी में फन टाइम ट्रेडी करता था. इस क्या? 5 5 9 3 7. ओ माय गॉड. ओके ठीक है, बहुत जल्दी बताया पर फिर भी हम लोगों ने इसे सुन लिया. यह पर एक किताब था बस, इसके लिए हम लोगों ने इतना मेहनत किया. एनीवेज, इसमें शायद कुछ इम्पोर्टेंट था. तो हमारा फर्स्ट नाइट जो है वो स्पेंड हो चुका है. बहुत ही अजीब सा नाइट था. लास्ट में हमें इतने सारे काम करने पड़े एनिमेट्रॉनिक्स के सामने. और मुझे नहीं पता ये बंदा लौटने वाला है इस जगह में या नहीं. ज़रूर लौटेगा, तभी तो गेम चलेगा. तो देखते हैं. वाओ, दिस इज़ द प्लेस. यप, दिस प्लेस इज अमेजिंग. वेल, नॉट रियली अमेजिंग बट यू नो व्हाट आई मीन, राइट? ओके, तो हम लोग एक मिनी गेम में आ चुके हैं. बहुत ही अजीब सा मिनी गेम है. फॉलो मी, मतलब बहुत ही अच्छा मिनी गेम है. तो यहाँ पर कुछ देखने लायक है नहीं. पार्टी किए हुए टेबल्स है, जैसे कि 5 नाइट्स से 36 में था. और कुछ एनिमेट्रॉनिक्स भी है मेरे सामने. इट्स बॉनी एनिमेट्रॉनिक. इट स्मेल लाइक वेट सॉक्स. पता नहीं किसको खाया है इसने. इट्स फ्रेडी एनिमेट्रॉनिक्स. द ग्लिटर इज ऑल ओवर हेयर. इट्स ओके, तो फ्रेडी ही है. इट्स चिका एनिमेट्रॉनिक. इट्स स्मेल लाइक बर्थडे केक. तो ये मैंने सुना है 5 नाइट्स से 35 में, जब सर्कस बेबी ने हमसे एक स्टोरी कहा था. यहाँ पर क्या है? किचन है आई थिंक. So here is the kitchen where we cook pizza. It may not be the best, but it's pizza. I also figured out you are a man of few words. Yeah, I don't like to talk very much. Well, let's continue. तो चलते हैं यहाँ से. यहाँ पर कुछ देखने लायक है नहीं. हमारे सामने एक रूम लॉक्ड है. Here is the bathroom and then right across the bathrooms is the costume room where employees can dress as Fazbear animals. Let's keep going. तो यहाँ पर कोई एनिमेट्रॉनिक्स नहीं है आई थिंक, जो कि है स्टेज में जो भी है. अब हम लोगों को इस तरह से जल्दी से जाना पड़ेगा. देखते हैं यहाँ पर क्या है. हियर इज द आर्केड. वी हैव गॉट वेरी फ्यू गेम्स बट द कस्टमर लव देम एनीवेज. आई हैव द हाई स्कोर ऑन ऑल ऑफ द गेम्स. देन अगेन आई हैव लॉट्स ऑफ फ्री टाइम. मे बी टू मच फ्री टाइम. वेल, योर फर्स्ट डे ऑन द जॉब रिक्वायर्स यू टू ऑर्गेनाइज द कॉस्ट्यूम इन ऑर्डर. हियर्स योर टिप्स. बिफोर आई गो टू वर्क, व्हाट्स इन द रूम ओवर देयर? That room, there are animatronics in there. They were unused. One of their name is Jolly and I don't know who the other one is. Okay, thanks for telling me. तो अभी हमें जाना पड़ेगा इसके पीछे. आई थिंक ये भाग के चला गया, मुझे नहीं पता क्यों. तो इसे ही नहीं पता एनिमेट्रॉनिक्स कौन है इस जगह में जो है. देखते हैं यहाँ पर क्यों जा रहा है. एक सेकेंड, सब कुछ रुक क्यों गया? एक्सक्यूज मी, हेलो, ऐसे क्यों देख रहा है ये स्माइल करते हुए. Where are you in here, Eric? You know you shouldn't be here. Oh, boss, I'm so sorry. I will leave now. No, you're staying put here. Let me tell you something, Eric.
यू मे थिंक यू आर स्मार्ट और स्नेकी बट इन दिस प्लेस नो वन इज गोइंग टू फाइंड आउट अबाउट दिस रूम डू यू अंडरस्टैंड मी यस सर ओके आई ओके पता नहीं क्या था मैंने स्किप कर दिया जो भी है गाइस ये था जॉली 3 नाइट 1 का गेम प्ले आई होप कि आपको गेम प्ले पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक कर देना चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय